टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबेर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जन्नत जुबेर इन दिनों रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आ रही हैं। इस शो में वो अपने दर्शकों को काफी इम्प्रेस कर रही हैं। बता दी कि जन्नत जुबेर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहती हैं और अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। बीते दिनों ही एक इंटरव्यू में जन्नत जुबेर ने इस बात का खुलासा किया था कि वो टीवी में कभी वापसी नहीं करेंगी, क्योंकि उनका प्लान अब फिल्मों में आना है। लेकिन अब लगता है कि जन्नत जुबेर का ये सपना पूरा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जन्नत जुबेर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं और ऐसे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। वेल बता दें कि इस फोटो में एक कॉफी कप है जिस पर धर्मा 2.0 लिखा हुआ है। अब ऐसे में इस तस्वीर ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जन्नत जुबेर बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर के साथ काम कर रही हैं। इस फोटो को शेयर करने के साथ उन्होंने चुप्पी की इमोजी भी बनाई है। ऐसे में अब जन्नत जुबेर के फैंस उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जन्नत जुबेर के पहले करण जौहर ने टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या और अर्जुन बिजलानी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने का मौका दिया। खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि श्रद्धा आर्या और अर्जुन बिजलानी करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अहम किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जन्नत जुबेर एक पंजाबी फिल्म में भी नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।